राधे राधे, जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बताने के लिए कमेंट में राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। तो मेरे प्यारे से भगवान के भक्तों, आज की जो ये वीडियो है, यह पितृ विसर्जन अमावस्या के विषय में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पितृ पक्ष चल रहा है और कुछ ही दिन बाकी हैं। आज बुधवार है, मात्र 3 दिन बाकी हैं पितृपक्ष में, उसके बाद शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो जाएगा। तो देखिए, पितृ विसर्जन अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को है। शनिवार के दिन की जो ये पितृ विसर्जन अमावस्या या फिर पितृ अमावस्या है, इसका बहुत अधिक महत्व होता है। पूरे वर्ष की सबसे बड़ी अमावस्या कहलाती है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है, ये आप सभी को पता ही होगा। और नहीं पता है तो हम बता रहे हैं कि जो अमावस्या की तिथि होती है वो पितरों को ही समर्पित होती है। पितर कौन होते हैं? हमारे पूर्वज होते हैं पितर, और उनके आशीर्वाद की हमें बहुत अधिक आवश्यकता होती है। उनके आशीर्वाद के बिना हमें कुछ भी सुलभ नहीं है, कोई सुख सुलभ नहीं है। जब पितरों का आशीर्वाद होता है तो मनुष्य का जीवन सुखों से परिपूर्ण हो जाता है। जिस प्रकार की भी बाधाएं और रुकावट आने वाली होती हैं जीवन में, वो हमारे पितरों के आशीर्वाद से सब टल जाती हैं, सब हट जाती हैं, और हम सभी के जीवन में खुशियों का मार्ग प्रशस्त होता है। तो जो लोग भी पूरे पितृ पक्ष में किसी प्रकार का कोई नियम नहीं कर पाए हैं, अपने पितरों के निमित्त कुछ भी नहीं कर पाए हैं, उनके लिए बहुत ही खास दिन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है पितृ अमावस्या का, पितृ विसर्जन अमावस्या का। तो यदि आपको आपके अंदर थोड़ी भी श्रद्धा है, या आपके अंदर ऐसी भावना है, या आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात रह गई है कि मैंने कुछ नहीं किया, तो बहुत ही अच्छा टाइम है ये, बहुत ही सुंदर समय है। पितृ विसर्जन अमावस्या 14 अक्टूबर दिन शनिवार का, आप इस दिन को खाली मत जाने दीजिए। आप ब्राह्मणों के निमित्त, आप ब्राह्मणों को कुछ भी दान कर सकते हैं। अन्न का दान सबसे उपयुक्त माना जाता है। आप यदि घर में नहीं बना सकते हैं तो अनाज आप अपने रसोई से निकाल कर दीजिए, बहुत ही उत्तम उपाय है। जैसे कि आटा, नमक, देशी घी, मिर्ची, कोई भी आलू की सब्जी, और मीठे में गुड़ रख लीजिए, चीनी रख लीजिए, दूध, दही, सफ़ेद मिठाई, वस्त्र, चप्पल, छाता, टोपी, धोती, कुर्ता, पैंट शर्ट, साड़ी, सुहाग का सामान, जो भी आप दान करना चाहते हैं आप ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं। और यदि आप पूर्ण विधि से तर्पण इत्यादि कर्म कराने चाहते हैं ब्राह्मणों को घर में बुलाकर, तो आप पूर्ण सम्मान के साथ ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए और घर में तर्पण आदि कार्य करवा के, उनको भोजन करवा के, और उनको पूर्ण रूप से संतुष्ट करके पूर्ण आदर के साथ विदा कीजिए। देखिए, अंतिम दिन होता है पितृ विसर्जन अमावस्या का। इस दिन हमारे जो पितृ होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, जो पहले दिन से पृथ्वी पर आ जाते हैं, भादों की पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होता है, और भादों की पूर्णिमा के दिन जब हमारे पितृ, हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और 15 दिनों तक वो पृथ्वी पर ही रहते हैं, फिर जो अमावस्या का दिन ये होता है पितृ विसर्जन अमावस्या का, इस दिन सारे पूर्वज अपने धाम को वापस लौट जाते हैं। और जिनके, और देखिए, सब आस लगा के आते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग हमारे निमित्त कुछ ना कुछ तो अवश्य ही करेंगे, इस प्रकार से सभी आस लगा के बैठते हैं। और यदि आप कुछ भी करते हैं तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वो आपको आशीष देकर जाते हैं। और देखिए, दिखाई नहीं देते हैं लेकिन होते हैं, ऐसी मान्यता है। और ये है कि हमारे पूर्वज आते हैं, कहा जाता है पितृ पक्ष के दौरान जो चंद्र लोक है वो पृथ्वी के बहुत निकट आ जाता है, इसी वजह से जो चंद्रमा है वो चंद्र लोक पृथ्वी के निकट आ जाता है,
और चंद्रलोक के ऊपर पितृलोक होता है और पितृ धरती पर आते हैं। तो पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ आप दान तर्पण आदि कीजिए। आप कुत्ते को भोजन कराइए, कौए को भोजन कराइए, गाय माता की सेवा कीजिए, चींटियों को भोजन कराइए, ब्राह्मणों को दान दीजिए। और जो असहाय लोग हैं, जो दुर्बल गरीब निर्धन है, जिन जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी आप ज़रूरत का सामान उनको देकर मदद कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। इस प्रकार से करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देकर जाते हैं और सभी के जीवन के कष्ट दूर होते हैं। पितृदोष से बहुत सारे जीवन में दुख होते हैं, तकलीफें होती हैं। इसकी वीडियो हम पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं कि पितृदोष के लक्षण क्या हैं, क्यों लगता है पितृदोष, क्या होता है पितृदोष। ये ऐसी बहुत सारी जानकारी हम अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं वीडियो के द्वारा, तो आप उनका लाभ उठा सकते हैं। बात कर रहे हैं पितृ विसर्जन अमावस्या का, तो बार बार आपसे हम यही कहेंगे कि जो भी आपको कोई भी एक छोटा भी उपाय करना हो आप अवश्य कीजिएगा। और एक बात का आप ध्यान रखिएगा, यदि आपके शहर में, आपके घर के आसपास, आपके नगर में कोई नदी है, कोई सरोवर है, तो आप शाम के समय, संध्या के समय जाकर वहाँ पर दीप अवश्य प्रज्वलित कीजिए। देशी घी का दिया आपको जलाना है और ध्यान इस बात का रखना है कि जो दिए की जो लौ होती है, जो बाती होती है, वो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। इससे हमारे पितृ बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनके मार्ग में हम रोशनी कर रहे हैं, प्रकाश कर रहे हैं। और प्रकाश जब हम करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, तो हमारे पितृ बहुत ही प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। यदि आप नदी सरोवर पर नहीं जा सकते हैं तो आप अपनी दहलीज पर एक दिया अवश्य जलाइए, ताकि आपके पितरों को उस दिए के माध्यम से उनका मार्ग प्रशस्त हो और वो आपको आशीष देकर अपने धाम को जाएं। दूसरी बात है कि जो पितृ विसर्जन अमावस्या का दिन है, इस दिन आप 11 बजे से 1 बजे के बीच में ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि कराएंगे तो बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। जैसे ही सूर्य भगवान की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं और जब तक वो किरणें पृथ्वी पर रहती हैं तब तक हमारे पितृ पृथ्वी पर ही रहते हैं। और जो भी आप देखिए, रहते तो 15 दिन है, लेकिन जब तक ये किरणें पृथ्वी पर पूर्ण रूप से रहती हैं तब हमारे पितृ हर जो भी आप उनके निमित्त दान आदि करवाएंगे, तर्पण भोग इत्यादि करते हैं, वो सब कुछ स्वीकार करते हैं, ऐसा नियम बताया गया है। रात में किसी भी तरह का दान, किसी भी तरह का भोज पितरों के निमित्त नहीं किया जाता है और ना ही सुबह प्रातःकाल बहुत जल्दी किया जाता है। जो भी पितरों के निमित्त भोजन, तर्पण, दान आदि कार्य किया जाता है वो सूर्य नारायण भगवान के निकलने के बाद से लेकर उनके छुपने से पहले तक ही किया जाता है। सबसे अच्छा समय होता है 11 बजे से 1 बजे के बीच का। तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखें। आशा करते हैं हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आपको पसंद आए, आपको थोड़ी भी सहायक लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं आपसे ऐसे एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो में। राधे राधे, जय माता की।